और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था। लालू जी आपको न्याय करना होगा, और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है, अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया, और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं, और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी लालू की इन बेटियों को लड़ाएंगे चुनाव। अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, दो बेटियां जो हैं वो ऑलरेडी चुनाव में उतर चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव, मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि लालू प्रसाद की जो दो बेटियां हैं, रोहिणी आचार्य और मीशा भारती, वो पहले से ही चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। और अगर बात की जाए सम्राट चौधरी ने आज क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। या क्योंकि अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम, और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था, और जब मंडल कमीशन आया तब भी 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, और कांग्रेस पार्टी 197 सांसद के साथ खड़ी थी जो पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे राजीव गांधी जी, लेकिन भाजपा मंडल का समर्थन करने का काम कर रहा। इसलिए आरक्षण तब तब इस देश में मिला है जब भाजपा या तो सरकार में रही है या भाजपा को भाजपा समर्थन करते रही है। अति जो पिछड़ों को, मतलब स्वर्ण समाज में जो पिछड़े हुए समाज थे, जो स्वर्ण में आर्थिक रूप से गरीब थे, उनको भी 10% का आरक्षण, जब देश में पहली बार ओबीसी अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्ण समाज के लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। ये विकसित भारत बनाने का संकल्प है, और आगे विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ पूरा भारत खड़ा है। हम तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि पूरी तरह आप हमें लोगों को शक्ति दीजिए। पूरे बिहार के लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं, और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को, जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं, जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया, और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे, ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा, और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि भी आपने सुना कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण की अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद को पहले अपनी पत्नी का सोचता है, उसके बाद अपने बेटे के बारे में वो सोचते हैं, और उसके बाद पहली बेटी और दूसरी बेटी। और अगर अब बात की जाए उनकी जो
जी हाँ, तो अगर बात की जाए लालू यादव की बची हुई 5 बेटियों के बारे में, तो आज सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान नजर आता है, जिसमें वो उन्होंने ऐलान कर दिया और कहा कि उनकी जो 5 बेटियां हैं उनके साथ जो है बीजेपी और एनडीए साथ खड़ी है। जी हाँ, अगर उनको नहीं अगर पूछा जा रहा है आरजेडी के या फिर महागठबंधन के तरफ से, तो जो बची हुई 5 बेटियां हैं उनको समर्थन में बीजेपी नजर आएगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।